हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ और मैं आज सुबह के जो स्नान वगैरह होता है, सुबह का काम मेरा हो चुका है। आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में। किचन में दाल मेरा मतलब एक सीटी दे दिया है और अब बना रही हूँ मैं बना रही हूँ गाइस केल। तो गाइस मैं बनाऊंगी केला का मतलब भुजिया। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं छील ली हूँ एकदम वाइड, जो कि एकदम मतलब अच्छे से अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोग को। तो गाइस ये है केला और इस केले का मैं बनाऊंगी भुजिया। तो कैसे कैसे बनाती हूँ आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले तो इसको मैं छील लेती हूँ, काटती हूँ, देखते रहिए। गाइस मैं केला छील रही हूँ और इसको मैं अच्छे से छील लेती हूँ और फिर धुल के काटूँगी। फिर इसका बनाती हूँ, कई दिन से पड़ा हुआ था तो हमने सोचा कि यूज ही कर लें और आप लोग को भी दिखा लें। गैस में काटना स्टार्ट कर ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग। गोला गोला मैं काटूंगी पहले। थोड़ा पतला ही काटूंगी ताकि मतलब जल्दी से हो जाए, पक जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग की तरफ कैसे कैसे बनाते हैं ये बताइएगा और मैं कैसे बना रही हूँ ये जरूर ही देखिएगा। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखा करेगा इस आप लोग। हमने काट लिया है और आप लोग देखिए, जैसे कि केला थोड़ा हल्का छीलो तो एकदम ब्लैक ही रहता है, बट मेरा एकदम वाइट हो गया है। मैं इतना वैसे छीली हूँ, ये देखिए इतना मोटा इसका छिलका निकाली हूँ। इसको धो लेते हैं। हाँ कोई क्या मत, तो गैस मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ले लेती हूँ जीरा, जो कि इसमें थोड़ा जीरा ही अच्छा लगेगा और ये सब नहीं, पंचफोरन नहीं, तो अभी मेरा तेल ओल नहीं हुआ है। तो गैस में ले लेती हूँ मिर्चा।
गैस में फ्राई करना, मतलब फ्राई कर चुकी हूँ। अब इसको ढक दूँगी 2-4 मिनट। तो अब केला ही है तो कितना फास्ट पक जाएगा, थोड़ा मतलब कम गैस करके करेंगे ताकि जले ना और थोड़ा कुरकुरापन आ जाए, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बने रहिएगा आप लोग। तो गैस में ले लेती हूँ हल्का सा अब नमक, जितना मुझे चाहिए, और ले लेती हूँ हल्का सा हल्दी। मसाला वसाला नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मिट्टी पता है इसलिए मसाला सिंपल वाला बना रहे हैं। ले लेती हूँ हल्दी और अब इसको मैं ढकूंगी नहीं, क्योंकि अब ढकूंगी तो मतलब कुरकुरापन इसमें नहीं आएगा और ऐसे ही भूनूंगी तो कुरकुरापन आ जाएगा। पक तो गया है बट हमको और अभी कुरकुरा चाहिए, तो ऐसे ही इसे करके फैला देते हैं, इतना ही पकता रहेगा और के बाकी काम कर लेती हूँ मैं। तो गैस आज मिलती हूँ कुछ नए नए रेसिपी के साथ, और देखिए मेरा बन चुका है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी हमने बनाया है। ओके, बाय बाय, राधे राधे आप सभी लोगों को।